हाँ जी बेटा, क्वेश्चन सही है। ये आपको x पावर y इक्वल टू गिवन है और साथ में दिया है dy ओवर dx इक्वल टू fx अपॉन 1 प्लस fx और ये होल स्क्वायर। आपसे fx के बारे में पूछा गया है, ठीक है, fx के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से इसको डेरिवेटिव करें, लॉगरिथम्स का प्रोसेस होगा, समझ रहे बेटा, लॉगरिथम्स लेके होगा। लगाएं जरा ध्यान से, चलो बेटा देखें, आप इसमें लॉग लोगे जब आप, तो क्या हो जाएगा बेटा, ऐसा हो जाएगा क्या, क्यों जी बेटा। अब इसको मैं इधर ले आता हूं, वाई लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस, क्या वाई कॉमन है? यस सर। ऐसा बन सकता है क्या कॉमन लेकर मेरे बेटा? अब यहां से वाई की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स, क्यों बेटा? यस सर। अब इसमें डीवाई बाई डी एक्स कर दो, नीचे वाले में होल स्क्वायर जाएगा क्या ऐसे, क्यों बेटा? यस सर। और देखो वन प्लस लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा इंटू वन, अब आपका वन ऐसे ही रहेगा, मतलब एक्स सॉरी, और ये वन प्लस वन का जीरो वन अपॉन एक्स बनेगा ऐसे, क्लियर हो गया? Yes. अब ऊपर आने वाला है वन प्लस लॉग एक्स माइनस वन, ये कैंसिल, लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स स्क्वायर, क्या ये लाइन समझ में आ गई है जी बेटा? अब आप कंपेयर कर लें जरा, एफ एक्स क्या बन गया, एक तरह से एफ एक्स बन गया लॉग एक्स, क्या बन गया बेटा एफ एक्स, लॉग एक्स, दिख रहा है मुझे? यस सर। आगे चले, चले बेटा, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां x पावर p और y पावर q इक्वल टू x प्लस y होल पावर p प्लस q दिया है, ये समझ में आया? और आपसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई, चलो ध्यान से करना बेटा, क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. आ रहा है बेटा कुछ? हाँ बेटा, देखो सबसे पहले आप इसमें लॉग ले लो, तो p लॉग x q लॉग y इक्वल टू p प्लस q लॉग x प्लस y, क्या ये लाइन ठीक है? ये। क्यों जी, ठीक है?
Yes, sir. इसके बाद ये हो गया p अपॉन x प्लस q अपॉन y dy ओवर dx, ये बनेगा p प्लस q, log x का होता है 1 अपॉन x, है ना, पहले इस तरह से जाएंगे और फिर ना प्रोडक्ट जो चेन रूल है वो लग जाएगा, ये बनेगा, क्या कहते हो, ब्रैकेट ओपन कर देते, ऐसे अपने पास आने वाला है, ये बना दिख रहा है। अब dy by dx एक तरफ ले आते हैं, तो dy by dx कॉमन और ये चीज इस तरफ और ये इस तरफ, ऐसे मैंने कर दिया एक तरह से, dy by dx कॉमन क्या बनने वाला है, dy by dx कॉमन के बाद p प्लस q अपॉन x प्लस y, ये q है, और माइनस q अपॉन y, ऐसा होगा ना, क्यों बेटा, इक्वल कौन है, p अपॉन x माइनस p प्लस q अपॉन x प्लस y। अब यहां एलसीएम बना लेते हैं अंदर, y x प्लस y, ये होगा py प्लस qy माइनस qx माइनस qy इक्वल टू x x प्लस y px प्लस py माइनस px माइनस qx। ये px हट गए, x प्लस y हट जाएंगे, इधर अपने पास में qy हट जाएगा, अब बचा कौन, dy ओवर dx, ब्रैकेट में बचा py माइनस qx अपॉन y, इधर बचा py माइनस qx अपॉन x, क्या ये भी हट गए एक तरह से, dy ओवर dx क्या बचना चाहिए, y अपॉन x, ये dy by dx आ गया बेटा, देख रहे हैं आप, ठीक है, क्यों बेटा, आप डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव कैसे होगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा नीचे x स्क्वायर x इंटू dy by dx माइनस y, dy by dx के प्लेस पे y अपॉन x रख दोगे, क्या कर दोगे, यानी कि y आ जाएगा, तो हो जाएगा y माइनस y अपॉन x स्क्वायर मतलब जीरो, तो ऑप्शन कौन सा आ गया बेटा, d ऑप्शन है अपना जीरो, क्या है d ऑप्शन, जीरो, आवाज आ रही है मेरी, यस सर, आगे चलें, यस आगे बढ़ जाओ बेटा, यस चलो, ये आप अब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, ये पैरामेट्रिक फॉर्म टाइप का है, इसमें हमें x इक्वल टू अलग गिवन है, x इक्वल टू a, वन माइनस t स्क्वायर अपॉन वन प्लस t स्क्वायर गिवन है, y इक्वल टू b, टू t अपॉन वन प्लस t स्क्वायर, ये है अपने पास, और पूछा गया है dy ओवर dx,
ठीक है बेटा, dy ओवर dx को आपसे पूछा जा रहा है, लगाए ध्यान से। बेटा इसमें यहां पर अगर x इक्वल मतलब t इक्वल टू आपने tan थीटा पुट कर दिया तो क्या बनेगा, ऐसा हो जाएगा क्या बेटा, हो सकता है सर? हाँ जी बेटा, यस सर, आ जाएगा बेटा ये। और वाई क्या बनेगा बेटा, अब आप dy अपॉन d थीटा निकाल लें और यहां dx अपॉन d थीटा निकाल दें, ऐसे बन जाएगा। अब dy ओवर dx करोगे तो डिवाइड तो करना ही होगा, dy by dx के लिए अपने पास आएगा 2b cos 2 थीटा अपॉन 2a sin 2 थीटा माइनस में, अपना 2 हट गया तो b अपॉन a और ये 1 अपॉन tan 2 थीटा, मैंने ना इसको 1 अपॉन 2 कर दिया, मतलब 1 अपॉन कर दिया रेसिप्रोकल, मतलब ये कोट आना चाहिए था, मैंने 1 अपॉन tan लिखा है इसको। अब यहाँ पे वैल्यूज पे चले जाइए, tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और 2 tan थीटा नीचे आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, t, तो अपने पास क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए और अंदर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, तो क्या ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है बेटा, क्या बेटा दिख रहा है बेटा? यस सर। चलो नोट कर लो बेटा, आंसर अपना डी आ गया। चले बेटा आगे। यस सर। उसी तरह से फिर से एक और पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है बेटा ध्यान से देखे, पैरामेट्रिक फॉर्म है x और y, फिर से उसी तरीके के आपको देखने को मिल रहे हैं, ये x इक्वल टू करना इसको, ये वाला पार्ट रहने देते, ये x इक्वल टू है बस आपको, है ना, x इक्वल टू, ये y इक्वल टू है और dy by dx की वैल्यू आपसे पूछा गया है, नोट कर ले x इक्वल टू y इक्वल टू और dy by dx आपसे पूछा गया है। आगे बेटा कुछ, चलो देखे बेटा, x इक्वल टू a cos t प्लस तीन sin t, अब इसका डेरिवेटिव देखिएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू a cos का हो गया माइनस sin t प्लस, ये दोनों चीजें प्रोडक्ट में जाएंगी तो t cos t और प्लस sin t, अब ये sin t मेरा हट जाएगा, ए टी कॉस टी रह जाए, ठीक है बेटा, ये मेरे पास बचा ए टी कॉस टी, और दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या है, वाई इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, अब इसको भी आप डी वाई ओवर डी टी बनाएंगे, ए ऐसे ही, साइन का क्या हो जाएगा कॉस माइनस
फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव, तो ये माइनस माइनस होगा प्लस, फिर माइनस आएगा और ये हो जाएगा cos और t का हो जाएगा 1, तो अपने पास ये हटा at sin t। मुझसे पूछा क्या गया था, क्या पूछा था बेटा, dy by dx, क्या पूछा है, तो ये बनेगा y वाला पार्ट ऊपर और x वाला पार्ट नीचे, ये अपना हट गया tan t। ठीक है जी, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए भाई, ऑप्शन बी। ठीक है, ये अपना बी बन गया, सही है बेटा। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हो जाए बेटा, कर दूं? यस यस सर। यहाँ एक फंक्शन है y इक्वल टू x tan x, क्या लिखा है y इक्वल टू x tan x, और ये अपने पास एक फॉर्म बनाया, यहाँ k की वैल्यू पूछी गई है, किसके वैल्यू पूछे बेटा, k की वैल्यू पूछी है, जरा ध्यान से लगाए, चलो देखे बेटा, अपने पास है y इक्वल टू x प्लस टेन एक्स, डेरिवेटिव क्या होगा, y वन होगा वन प्लस x स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा, दोबारा डेरिवेटिव कर दो, y टू हो जाएगा 2 sec square x into tan x, सही बेटा। अब इसे 1 upon कर लेते हैं, तो 2 into tan x upon sec square x, ये y2, ये cos square कर दो इसको, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, 2 tan x, अब tan x यहां से क्या आएगा, y माइनस x आएगा बेटा, ये तो क्या बनेगा अपने पास, cos square x y2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y माइनस x। अब इसको कंपेयर कर देते हैं, यहां y माइनस x ये रहा, k की वैल्यू 2, ये क्या आया कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयर k इक्वल टू 2, दिख रहा है बेटा, हाँ जी बेटा, यस सर, आगे चले, यस सर, आपके पास यहां पर y इक्वल टू 2 पावर माइनस x है, ये है y इक्वल टू 2 पावर माइनस x, इसको डिफरेंशिएट करके बताना है रिजल्ट, थोड़ा ध्यान से करना, चलो देखें, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये a पावर x का ना a पावर x होता है, फिर चेन रूल से माइनस वन आएगा और लॉग ए लिखा जाता है एस, अभी हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू पावर एक्स लॉग ई टू, तो इस तरह का कोई ऑप्शन,
ये जो माइनस है इसे यहाँ भेज सकते हो आप, तो हो जाएगा 1/2 log बेस ई और ये 1/2, तो ये ऑप्शन आप कह दीजिए। कौन सा ऑप्शन है बेटा? डी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। आगे चलें। यस सर। y इक्वल टू आपको दिया है sec x की पावर ये इस तरीके से आप, और dy by dx पूछा है, डिग्री टाइप का साइन दिख रहा होगा आपको। चलो ध्यान से करो, ठीक है बेटा। यस। ऑप्शन सी। इसमें डीवाई बी डी एक्स करोगे तो sec x tan x तो आएगा ही। yes, लेकिन इसमें ना पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई कर दी जाती है, तो चेन रूल से पाई अपॉन 180 हो जाएगा। yes, sir. ठीक है ना बेटा? ओके। yes, sir. चलो आगे चलते। ये है अपने पास y इक्वल टू log, उसके बाद है अपना tan, उसके बाद है रूट एक्स, ये अपने पास, और आपसे dy by dx पूछा गया है। क्वेश्चन क्लियर है, दिख रहा है बेटा? यस सर। चलो ट्राई करो। ऑप्शन डी sec square root x upon 2 root x tan root x। चलो इसको देखें, log x का क्या होता है, पहले 1/x टाइप का जाएगा ना, फिर tan का क्या होगा बेटा, sec square, और फिर root x का 1/2 root x। ये अपने पास पूरी फॉर्म आ गई, तो डी ऑप्शन। यस। ये अपने पास आए। ओके आगे चलें। यस। इस बार है वाई इक्वल टू ई होल पावर 1 log x। ठीक है, अब ये मुझे दिया हुआ है और पूछा क्या है, dy over dx। क्वेश्चन नोट कर ले पहले, ताकि करने में आसानी हो। ऑप्शन बी। नो सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं। देखो ये e पावर 1 × e पावर log x हो जाएगा क्या? मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ना बेटा। यस सर। तो इस तरीके का लिख सकता हूँ। अब इसे आप e पावर log x है तो ये तो x होता है, तो ये बनेगा ex। क्या बनेगा ये? EX. अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो ये अपने पास क्या आया? ये अपने पास E आ गया, तो एक अपना ऑप्शन A बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। Y इक्वल टू रूट के अंदर साइन एक्स, उसके बाद फिर से रूट के अंदर साइन एक्स, फिर रूट के अंदर साइन एक्स डैश डैश।
तो अपने पास ऑप्शंस हैं, ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो डेरिवेटिव करके थोड़ा ध्यान से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यस। भाई सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखो अगर मैं इस पार्ट में इसे हाइड कर लूं तो अभी भी वही चीज है। तो ऐसे केस में ना, जैसे ये रूट के अंदर से शुरू, तो ये पूरा पार्ट वाई बन जाता है। क्या बन जाता है पूरा पार्ट, तो क्या लिखा जाता है इसको, वाई इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। अब ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरीके का, ये लाइन आई, समझ रहे हो आप। अब क्या करना चाहिए, अब डिफरेंशिएट कर दो इसको। तो लेफ्ट में होगा 2y इंटू वाई वन इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई वन, एक तरफ ले आते हैं, ठीक है जी। जब एक तरफ लाओगे तो क्या बनेगा, y1 उस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा, ऐसा होगा। y1 कॉमन ले लीजिए, 2y माइनस वन माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, ये मेरे पास आंसर बन के आ रहा है। तो कौन से ऑप्शन की बात करूंगा, ऑप्शन डी। ये अपने पास ऑप्शन डी सेम है, ठीक है ना बेटा, आ रही है बात समझ में। एक एफ एक्स आपको दिया हुआ है, log 1 plus ax minus log 1 plus 1 minus bx upon x, और कंटिन्यूस फंक्शन है तो f0 की वैल्यू एक तरह से वो पूछ रहा है। कंटिन्यूस फंक्शन होगा, समझ रहे हो, तो एक तरह से उसने जो f0 पूछा है ना, ये लिमिट पूछ रहा है एक तरह की इनडायरेक्ट। ठीक है भाई, लगाओ ध्यान से। बेटा इसको ना, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे अगर ऊपर नीचे, या तो वो कर लो, अदरवाइज ये भी एक रास्ता है, वन प्लस ए एक्स है ना, इसके नीचे एक्स ले आओगे तो ए का प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया वन, समझ रहे हो। अब आ जाओ यहाँ पर माइनस, ये अपने पास क्या आएगा, वन माइनस बी एक्स बेटा, वन माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, आप माइनस बी का प्रोडक्ट कर दीजिए ऊपर नीचे, अब ये पार्ट फिर वन हो गया और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ए प्लस, तो बी ऑप्शन सही है अपना। हाँ जी बेटा, क्यों बेटा, यस सर।